दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम बात करते हैं भूतपूर्व सैनिकों का सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कितने परसेंट कोटा है और इस कोटे का लाभ किस किस वैकेंसी में किस सेक्टर में ले सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं रिजर्वेशन फॉर ESM इन सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर यानी भूतपूर्व सैनिकों के लिए ESM मतलब भूत एक्सर्समैन आप देख सकते हो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिए गए हैं जिसमें सेंट्रल पब्लिक मिनिस्टर्स मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अंतर्गत ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं उनमें 10% है, ग्रुप डी में 20% है और एडिशन 4.5 इन ईच कैटेगरी फॉर बार विडो एंड डिसेबल्ड ये एक्स्ट्रा दिया गया है जो कि 4.5% जो दिया गया है वो बार विडोज और उनके डिसेबल्ड सोल्जर हैं उनके लिए दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं पी एस यू यानी कुछ पब्लिक सेक्टर के जो कंपनी होती हैं जैसे कि आपका BSNL है, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये जो जितनी पेट्रोल कंपनी हैं ये PSU में आती हैं, BSNL है PSU में आती है और भी कुछ कंपनियां हैं जो पब्लिक सेक्टर में काउंट होती हैं जिनके ऊपर पब्लिक का भरोसा होता है उनके अंदर भी परसेंटेज में दिया गया है जिसमें ग्रुप सी की पोस्ट में 14.5% और ग्रुप डी में 24.5% भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन किया गया है। अब बात करते हैं बैंकों में। आपने देखा होगा बैंक के अंदर हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत से पद आते हैं। बैंकों में 14.5% जो कोटा है वो केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है हमारे भूतपूर्व सैनिकों को और 24.5% है ग्रुप डी पोस्ट के लिए। इसके अलावा रेलवे के अंदर हमारे भूतपूर्व सैनिकों का ग्रुप सी में 10% है और ग्रुप डी में 20% सीट्स रिजर्व की गई हैं। दोस्तों आगे और भी बताता हूँ मैं आपको, ये आप देख सकते हो इन डिफेंस सिक्योरिटी कोर्स यानी DSC में 100% वैकेंसी रिजर्व फॉर ESM के लिए हैं और 10% पोस्ट अप टू असिस्टेंट कमांडर इन पैरामिलिट्री में यानी आप देख सकते हो BSF, CRPF, ITBP, आसाम राइफल जो भी पैरामिलिट्री हैं उनमें 10% जो सीट हमारी असिस्टेंट कमांडेंट के पद के लिए भी रिजर्व की गई हैं। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप ये एग्जाम दे करके 10% सीटों में लाभ ले सकते हैं और पैरामिलिट्री के अंतर्गत असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। अब स्टेट गवर्नमेंट में कहां कहां पर कितनी सीटें हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। एक्सेप्शन कोटा स्टेट गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, यहां पर ग्रुप A, B, C, D सभी का वैकेंसी है जिसमें आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ग्रुप ए और ग्रुप बी में 0% है, ग्रुप सी में 2% और ग्रुप डी में 2% है। इसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर 10% ग्रुप सी में और 20% ग्रुप डी के अंदर है। आसाम के अंदर का दो ग्रुप ए में 0 है, ग्रुप बी में भी 0 है और 2% ग्रुप सी में और डी में भी 2% दिया गया है। बिहार के अंदर हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई भी कोटा नहीं है। ये चीज़ जितने बिहार के लोग हैं वो ये ध्यान दें कि बिहार सरकार की तरफ से हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई कोटा नहीं है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी किसी भी विभाग के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ के अंदर बात करते हैं जहां पे ग्रुप सी में 10% है और ग्रुप डी के अंदर 20% है। दिल्ली में भी 10% ग्रुप सी के लिए है और 20% ग्रुप डी के लिए है। उसके बाद बात करते हैं गोवा की, गोवा में 2% दिया गया है। गुजरात ने बहुत ही अच्छा काम किया जहां पर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी सभी में पोस्टें दी गई हैं। ग्रुप ए में 1%, ग्रुप बी में 1%, ग्रुप सी में 10% और ग्रुप डी में 20% है। और इनसे भी जो अच्छा काम किया है वो किया है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने। हरियाणा की अंदर बात करते हैं, हरियाणा में 5% ग्रुप ए में, 5% ग्रुप बी में, 14% ग्रुप सी में और 14% ग्रुप डी के अंदर भूतपूर्व सैनिकों के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं। मेरा नम्र निवेदन है जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं या सेवारत सैनिक हैं वो अपनी तैयारी करें और हरियाणा के अंदर
आप देख सकते हो अच्छी अच्छी पोस्टें ग्रुप ए पोस्ट तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्रुप ए बी सी डी सभी ग्रुप में 15% कोटा दिया गया है, यानी कि एक अगर कोई भी भूतपूर्व सैनिक एक IAS बनना चाहता है तो बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर 15% सीटें भूतपूर्व सैनिक के लिए रिजर्व हैं। ग्रुप बी में भी 15% सीटें रिजर्व हैं, ग्रुप सी और डी में भी 15% रिजर्व की गई हैं। अब बात करते हैं जम्मू की। जम्मू के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी में 6-6 पद रिक्त किए हैं, जिसमें 6-6% दिया गया है। झारखंड में कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। वहीं कर्नाटक के अंदर भी 10% सीटें ग्रुप ए में, 10% ग्रुप बी में, 10% ग्रुप सी में और 10% ग्रुप डी के अंदर रिजर्व की गई हैं। उसके बाद केरला के अंतर्गत कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश में ग्रुप बी के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर 10% और 20% रिजर्वेशन दिया गया है। महाराष्ट्र के अंतर्गत ग्रुप सी में भी 15% है और ग्रुप डी में भी 15% सीटें रिजर्व की गई हैं। मणिपुर के अंतर्गत ग्रुप बी में 2%, ग्रुप सी में 3%, ग्रुप डी में 5% दिया गया है। मेघालय में किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। मिजोरम में ग्रुप सी में 10% है और ग्रुप डी में 20% सीटें हैं। नागालैंड के अंदर बात करते हैं, नागालैंड में ग्रुप सी के अंदर 5%, ग्रुप डी के अंदर भी 5% है। उड़ीसा में ग्रुप बी के अंदर 3%, ग्रुप सी के अंदर 3% और ग्रुप डी में भी 3% है। पंजाब में सभी में 13-13% है, यानी ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी सभी में 13-13% है। मेरा पंजाब वाले जितने भी भाई हैं उनसे नम्र निवेदन है कि वो तैयारी करें और ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्टों तक हासिल करने की कोशिश करें। वहीं बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में 12.5% ग्रुप सी के अंदर है और 15% ग्रुप डी के अंदर है। सिक्किम में 2-2% दिया गया है। तमिलनाडु में 5% 10% दिया गया है। त्रिपुरा में 2-2% दिया गया है। उसके बाद उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड के अंदर भी 8% ग्रुप ए में, 8% ग्रुप बी में, 5% ग्रुप सी में और 5% ग्रुप डी के अंदर भी दिया गया है। तो आप भी इनका फायदा उठा सकते हैं और ग्रुप बी, ए, बी, सी, डी सभी में अपना लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर 5% कोटा आपका ग्रुप सी में है और 5% ग्रुप डी में है। इसके अलावा 2.5% यहाँ पर भी अपडेट हो चुका है। अब हमारे भूतपूर्व सैनिक जो उत्तर प्रदेश मूल निवासी हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। वेस्ट बंगाल के अंतर्गत 5% ग्रुप सी के लिए है, 10% ग्रुप डी के लिए है। अंडमान एंड निकोबार में 1-1% दिया गया है और चंडीगढ़ यूटी है। जो भी भाई चंडीगढ़ के रहने वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है, जहां पर 13% ग्रुप बी में, ग्रुप सी, ग्रुप ए में, ग्रुप बी में और ग्रुप सी में और ग्रुप डी में भी 13-13% सीटें रिजर्व की गई हैं। दोस्तों पांडिचेरी के अंदर बात करते हैं, पांडिचेरी में 10% ग्रुप सी के लिए हैं और 20% ग्रुप डी के लिए हैं। दोस्तों ये कोटा जो दिया गया है ये कोटा स्टेट गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार दिया जाता है, जिसमें ये अभी जो निर्धारित है ये कोटा हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित किया गया है। जो भी भाई अप्लाई करना चाहते हैं अपने अपने कोटे के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वेलफेयर था ये हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिया गया है, इसका आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों मेरा आपसे एक ये निवेदन है कि आप समय रहते अपनी कार्रवाई करें ताकि आप इस तरह की वैकेंसियों का, इस तरह के कोटे का भी लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो अपने तक सीमित न रखें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की वैकेंसी का, इस तरह के कोटे का भी लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।